यू बाय माय 11 सर्कल विन फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ एंड लग्जरी कार डाउनलोड नाउ। 2022 का IPL सीजन दिनेश कार्तिक के लिए यादगार रहा। अपनी फिनिशिंग के दम पर कार्तिक ने RCB को कई मैच जिताए और वो पूरे सीजन एक चर्चा का विषय रहे। लेकिन इस सीजन में कार्तिक का बल्ला किसी ठंडे बस्ते में चला गया है, तभी तो वो मैच दर मैच फिनिशर से खुद फिनिश होते जा रहे हैं। अब तक 8 मैचों में न तो उनके बल्ले से कोई मैच जिताऊ पारी निकली है और न ही उन्होंने ऐसी कोई बैटिंग की जिसकी लोग तारीफ करें। जो कार्तिक पिछले सीजन में RCB के लिए मैच फिनिश कर रहे थे, वो इस सीजन में क्रीज पर रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। 8 मैचों में महज 83 रन। इस सीजन में दिनेश कार्तिक ने 8 मैच खेले हैं और केवल 83 रन ही बना सके हैं। उनका स्ट्राइक रेट 131.75 का है और औसत केवल 11.86 का ही है। दिनेश का फॉर्म में न होना RCB के लिए एक कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। अब तक हुए मुकाबलों में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब मैच RCB के पाले में लगभग रहा और दिनेश उसे फिनिश नहीं कर पाए। नतीजा, टीम को आखिर में हार झेलनी पड़ी। सिर्फ यही नहीं, कार्तिक के साथी बल्लेबाज को रनआउट कराने की समस्या ने भी टीम मैनेजमेंट का सिरदर्द बढ़ा रखा है। कार्तिक के लिए जहां बल्लेबाजी समस्या बनी हुई है, वहीं सामने वाले बल्लेबाज को रनआउट कराने में भी उनका अहम योगदान रहता है। उनके साथ जो भी बल्लेबाजी करता है वो रन लेने के असमंजस में अपना विकेट खो देता है। KKR के खिलाफ कार्तिक ने सुयश प्रभुदेसाई को रनआउट करवा दिया। इससे पहले वो वानिंदु हसरंगा को भी रनआउट करा चुके हैं। कार्तिक का फॉर्म में न होना और साथी खिलाड़ियों को रनआउट कराना कप्तान से लेकर टीम मैनेजमेंट की समस्या बढ़ा रहा है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।